आईपीएल 2022 के एडिशन को भारत में कराने के लिए बीसीसीआई ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन आईपीएल के ऑक्शन से पहले या फिर आईपीएल की शुरुआत से पहले अब सभी टीमों के यहाँ पर कप्तानों के नाम तय हो चुके, सभी 10 टीमों के अब आईपीएल 2022 के एडिशन के हमें कप्तानों के नाम पता चल चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको आईपीएल 2022 के एडिशन के लिए सभी टीमों के कप्तानों के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कौन सी टीम की तरफ से कौन सा प्लेयर हमें कप्तानी करता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर आईपीएल को लेकर, आईपीएल 2022 के एडिशन को लेकर इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले। अब हम बात करते हैं आईपीएल 2022 के एडिशन के लिए सभी टीमों का कप्तानों क्या, कौन सी टीम की तरफ से कौन सा प्लेयर हमें कप्तानी करता हुआ दिखेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, तो एमआई के लिए तो कन्फर्म है कि आईपीएल 2022 के एडिशन में हमें एक बार फिर से रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए दिखेंगे। तो रोहित शर्मा के यहाँ पर नेतृत्व में एक बार फिर से एमआई की टीम आईपीएल 2022 के एडिशन में जीतने का प्रयास करेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चेन्नई की टीम की, तो चेन्नई की तरफ से आईपीएल 2022 के एडिशन में हमें दो प्लेयर कप्तानी करते हुए दिखेंगे। फर्स्ट हाफ में एमएस धोनी कप्तानी करेंगे, जबकि दूसरे हाफ में यहाँ पर रविंद्र जाडेजा को कप्तानी मिलेगी। खुद चेन्नई की मैनेजमेंट ने यह बताया कि जाडेजा को भी टेस्ट किया जाएगा, इसी वजह से आधे आईपीएल एडिशन के बाद अब जाडेजा को कप्तानी मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर कोलकाता की टीम की, तो केकेआर की टीम यहाँ पर अपने कप्तान को मेगा ऑक्शन में यहाँ पर तलाश करेगी। मेगा ऑक्शन में सुरेश अय्यर और वार्नर में से किसी एक को परचेस करके ये टीम कप्तान के रूप में नियुक्त करेगी। और अगर दोनों ही प्लेयर इस टीम के हाथ नहीं लगते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आंद्रे रसल को इस टीम की कप्तानी मिल जाए। तो कुल मिलाकर केकेआर की तरफ से ये तय है कि या तो अय्यर या फिर वार्नर के रूप में हमें नया कप्तान देखने को मिलेगा। और अगर ये दोनों ही प्लेयर हाथ नहीं लगते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आंद्रे रसल को कप्तानी मिल जाए। अब बात करते हैं हैदराबाद की टीम की, तो हैदराबाद की तरफ से तो कन्फर्म है कि एक बार फिर से हमें इस टीम के लिए केन विलियमसन ही कप्तानी करते हुए दिखेंगे। इस टीम के मैनेजमेंट ने इस बात पर पहले ही पुष्टि कर दी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी तय है कि आईपीएल 2022 के एडिशन में हमें ऋषभ पंत ही कप्तानी करते हुए दिखेंगे। इवन कप्तानी के इश्यूज के चलते हुए तो अय्यर ने इस टीम को छोड़ा है, तो यहाँ पर ये टीम कप्तान में बदलाव नहीं करेगी। पंत के साथ ही ये टीम एक बार फिर से कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लखनऊ की टीम की, तो लखनऊ की टीम ने तो बता दिया है कि आईपीएल 2022 के एडिशन में केएल राहुल इस टीम के कप्तान रहेंगे, केएल राहुल ही इस टीम की कप्तानी करेंगे। तो लखनऊ की तरफ से केएल राहुल कप्तान दिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी की, तो अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी ने यहाँ पर हार्दिक पांड्या को कप्तान के रूप में अपनी टीम में नियुक्त किया। तो अहमदाबाद की तरफ से हार्दिक पांड्या आईपीएल 2022 के एडिशन में हमें कप्तानी करते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो राजस्थान के लिए भी यहाँ पर कप्तान पहले ही तय है, जहाँ पर संजू सैमसन को ये टीम आईपीएल 2022 और 2023 में यानी 2 सालों तक अब कप्तान के रूप में कंटिन्यू रखेगी। तो इस टीम की तरफ से भी संजू सैमसन हमें कप्तानी करते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी की टीम भी अब मेगा ऑक्शन में नए कप्तान की तलाश में होगी, जहाँ पर फैब डुप्लेसी या फिर वार्नर में से अब एक प्लेयर को परचेस करके ये टीम कप्तान नियुक्त करेगी। और अगर दोनों ही प्लेयर मेगा ऑक्शन में अब इस टीम के हाथ नहीं लगते तो ये टीम यहाँ पर हो सकता है कि मैक्सवेल को अब कप्तानी सौंप दे। तो मोस्ट लाइकली इन दो में से किसी एक को ये टीम परचेस करेगी, दोनों ही हाथ नहीं लगते तो मैक्सवेल को अब इस टीम की कप्तानी मिलेगी। एट द एंड अगर हम बात करते हैं पंजाब की टीम की, तो पंजाब की टीम हो सकता है कि अय्यर के पीछे चले जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर ये टीम मयंक अग्रवाल को ही अब कप्तान बना ले। वैसे मयंक अग्रवाल को इस टीम ने बड़े अमाउंट में यहाँ पर रिटेन किया, तो ऑलमोस्ट 90% चांस है कि मयंक अग्रवाल को अब इस टीम की कप्तानी मिलेगी। तो इस तरीके से हमें सभी 10 टीमों के आईपीएल 2022 के एडिशन के कप्तान देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको सभी टीमों में से आखिर कौन सी टीम का कप्तान सबसे खतरनाक लगा, और आपकी फेवरेट टीम का आखिर किसे कप्तान बनना चाहिए, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।